बजट में 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगने की तजवीज। एफबीआर की टैक्स वसूली का हदफ 9,200 अरब रुपए। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। नॉन फाइलर के लिए प्राइस बॉन्ड्स, लग्जरी अशिया, मशीनरीज और कमर्शियल रेंट पर भी विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। एक्सपोर्ट, रेमिटेंस और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। शरह नमो का हदफ हासिल ना हो सका, वजीर खारजा ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। कर्जों और महंगाई में इजाफे का एतराफ़। माफिया लगे हुए अभी आजकल हर जगह पे माफिया का राज है। भैंस के आगे बीन बजाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को मैं भैंस कहूंगा। कोई हुकूमत नहीं है, हर किसी का अपना रेट है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। मुर्गी और गाय बराबर। कराची में चिकन 700 रुपए किलो और गोल्डन पीस 1,000 रुपए तक पहुंच गया। बजट में फीड और अद्वियात पर टैक्स के खदशात। पोल्ट्री फार्मर्स ने सप्लाई कम कर दी। अब अगर ऑपोजिशन लीडर खुद जो है वो डर रहा है, खौफ में है, टांगे कांप रही हैं और परेशान है कि हम असेंबली कैसे जाएं, भाई असेंबली दरवाजे खुले हुए, मैं एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गारंटी देता हूं कि असेंबली में आए, असेंबली में तो कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर असेंबली के बाहर अगर कानूनी तौर पर कोई मुकदमा है तो वो उनको फेस करना होगा, लेकिन असेंबली में आए। अपोजिशन लीडर को सिंध असेंबली आने की दावत। रेड कार्पेट बिछाने की पेशकश की गई। काम पे क्यों टांग रही हैं, डरे नहीं वज़ीर इत्तला सिंध की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पंजाब में जहांगीर तरीन से मुकाबले के लिए तैयार और मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा शर्जील मेमन का दावा। पीपल्स पार्टी अपने नंबर्स पूरे भी करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हाल में जो है वो मेयर पीपल्स पार्टी के ही होंगे। बाकी पार्टियों के पास अक्सरियत नहीं है और अभी मेरे ख्याल से कि उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आप लोग जो है वो इतनी हैवी इलेक्शन मुहिम में चला रहे हैं तो जाहिर है इलेक्शन कमीशन आपको भी कुछ ना कुछ मालूम आ जाते हैं। मेयर इलेक्शन की तैयारियां। हाफिज नईम कहते हैं कि हमारे 193 लोग ऐवान में होंगे। उम्मीद है दीगर जमातें भी साथ देंगी। मुत्तहिदा मर्दमशुमारी से मुतालिक झूठा दावा कर रही है। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। सानिया नुमाई के मंसूबा साजों को अंजाम तक पहुंचाना नागुजीर है और जल्द मजीद अफराद भी शामिल होंगे। सीनियर सियासतदान के अलीम खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैद, इमरान इस्माइल, सरदार तनवीन इलियास और फवाद चौधरी भी मौजूद। जहांगीर तरीन से आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप। पत्रकारों कहते हैं कि अलायंस से मुतालिक फैसला पार्टी करेगी। अब्दुल रजाक एडवोकेट के कत्ल के ताने बाने चेयरमैन पीटीआई से मिलते हैं। अरशद शरीफ कत्ल खुद नोटिस केस में चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट जीआईटी सरबराह को हुक्म दे के 5 अफराद से शवाहिद हासिल किए जाएं। वालदा की दरख्वास्त। खतीजा शाह केस। अमरीकी सिफारत खाने के काउंसलर रसाई की दरख्वास्त वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सानिया नौमई में मुलविस किरदारों से कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है, इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के इल्जाम बेबुनियाद हैं। कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची के ज़ेर एहतमाम डीएचए के सबसे बड़े कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल आईजी जावेद आलम उठू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची में कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। शारे फैसल नर्सरी पुल पर लुटेरों का गार्ड से मुकाबला। गाड़ी पर फायरिंग से मैनेजर और गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार। सिक्योरिटी कंपनी के इंतजाम का कहना है कि डाकू बैंक से पीछे लगे थे। सिटी का कोरंगी में छापा। कलदम तहरीके तालिबान का अहम कारिंदा गिरफ्तार। दहशत गर्दी की तरबियत लेने के लिए पेशावर और अफगानिस्तान जाने का एतराफ। सवात के शहर में गोरा में फायरिंग से 2 पुलिस अहलकार और सिक्योरिटी गार्ड शहीद। मकतूलीन के वर्सा का एहतजाज। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। मरकजी मजालिस और जुलूस अज़ा कमेटी के वफद की कमिश्नर कराची से मुलाकात।
अल्लामा बाकिर हुसैन जैदी और सैयद गुफरान मुश्तवा नकवी की मुहर्रम उल हराम से मुतालिक ब्रीफिंग और इंतजामी उमूर की निशानदेही पर इकबाल मेमन ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तावी मुश्तरक अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि कुदरती गैस की तरसील का प्रोजेक्ट इलाकाई तआवुन तरक्की और खुशहाली के लिए दौर का आगाज करेगा। To choose this life over friends, over family. It's time to get loud. Let's fly, baby! और दुनिया को जदीद असलहे के डीलर से बचाने का मिशन। हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टॉलन की एक्शन मूवी द एक्सपेंडेड 4 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।